नमस्कार दोस्तों, इंडियन एकेडमी श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो देखने के बाद में इसे लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। आज का अपना टॉपिक है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। देखें, हिमालय के वर्गीकरण के बारे में मैं इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं। हिमालय पर्वतीय प्रदेश पार्ट फर्स्ट में, ये हिमालय पर्वतीय प्रदेश पार्ट सेकंड है, जिसमें हम करेंगे क्या कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन जो सिडनी बर्नार्ड ने किया था उसका वर्णन, और उसके बाद में हिमालय से संबंधित जो प्रश्नोत्तरी है उसका हम यहाँ पर डिटेल से जिक्र करेंगे। एक एक प्रश्न पूछा जाएगा, उन प्रश्नों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। आपके जवाब देने के बाद में मैं लास्ट में इन सब प्रश्न के जवाब दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। देखिए, प्रादेशिक विभाजन की जब भी बात आ जाए तो आपने एक नाम याद रखना है, सिडनी बर्नार्ड। सिडनी बर्नार्ड, ये सिडनी बर्नार्ड एक व्यक्ति का नाम है जिन्होंने हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया था। और आधार क्या माना था प्रादेशिक विभाजन का? आधार क्या माना था? नदी अपवाह क्षेत्र। नदी अपवाह क्षेत्र, नदी अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी नदियां? देखिए, सबसे पश्चिम में बहने वाली नदी कौन सी? सिंधु नदी। सिंधु नदी, सिंधु नदी तथा उसके बाद में इसकी अंतिम सहायक नदी कौन सी? सतलुज नदी। सतलुज नदी, सिंधु, सतलुज, इसके बाद में काली नदी, काली नदी के बाद में तीस्ता नदी, तीस्ता नदी के बाद में बिल्कुल भारत के पूर्व दिशा में बहने वाली नदी कौन सी? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी, इन पांच नदियों के जो बीच का क्षेत्र है, एक एक क्षेत्र, उनको अलग अलग नाम से पुकारा था किन्होंने? सिडनी बर्नार्ड ने। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंधु से सतलज नदी के बीच का जो हिमालयी क्षेत्र है, सिंधु से सतलज नदी के बीच का जो हिमालयी क्षेत्र है उसको नाम दिया पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय। दूसरा, सतलज नदी से काली नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसको नाम दिया कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय। काली नदी से तीस्ता नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसको नाम दिया था नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच का जो हिमालय क्षेत्र है उसको नाम दिया असम हिमालय। असम हिमालय। तो ये चार हिमालय क्षेत्र बताए हैं किसने? सिडनी बर्नार्ड ने। आधार क्या माना है? नदियों के अपवाह क्षेत्र को माना है, दो नदियों के बीच का क्षेत्र। ये पंजाब हिमालय किस किस नदी के बीच का? सिंधु से सतलज के बीच का, कुमायूं हिमालय। ये सूची एक और दो बनाकर के सवाल पूछा जाता है अपनी प्रश्नोत्तरी में, इसका सवाल आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि इसमें से सवाल कैसे पूछा जाता है। अब ध्यान दें, जो पंजाब हिमालय है ये 560 किलोमीटर में फैला हुआ है। यूं इस प्रकार, यहां से इस प्रकार 560 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये जो कुमायूं हिमालय है ये 320 किलोमीटर में फैला हुआ है। जो नेपाल हिमालय है ये 800 किलोमीटर में फैला हुआ है। यदि प्रादेशिक विभाजन में सबसे चौड़ा कहें तो कौन सा हिमालय आएगा? नेपाल हिमालय आएगा। और दो नंबर पर कौन सा आएगा? 750 किलोमीटर चौड़ा यूं तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का असम हिमालय। तो ये किलोमीटर में आपने दूरी भी याद रखनी है। सबसे छोटा हिमालयी प्रदेश प्रादेशिक विभाजन के आधार पर कौन सा है? कुमायूं हिमालय है। और
सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा है? नेपाल हिमालय है, असम हिमालय दूसरा बड़ा है, और तीसरे नंबर पर कौन सा आता है? पंजाब हिमालय आता है। क्लियर है? तो ये सिडनी ब्रूनार्ड का प्रादेशिक विभाजन के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण था। क्लियर है? अब देखते हैं हिमालय से संबंधित प्रश्नोत्तरी। प्रश्नोत्तरी में हमारा पहला सवाल क्या है कि कौन सी पर्वत श्रेणी हिमालय का भाग नहीं है? आप इन सब के जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे, और एक कमेंट के साथ आप सारे के सारे प्रश्न को एक पेज पर लिखिए, और नंबर 1, 2, 3, 4 यूं जितने भी सवाल पूछे जा रहे हैं उनके सामने उनके आंसर लिख करके आप मेरे से कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे, मैं उनकी रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। पहला सवाल कि कौन सी पर्वत श्रेणी हिमालय का भाग नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। सारे के सारे सवाल वो है जो प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और आए हुए सवाल हैं। तो पहला इसका ऑप्शन है बृहद हिमालय, दूसरा लघु हिमालय, तीसरा शिवालिक और चौथा कैलाश पर्वत। जो आपको उचित आंसर लगे आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें। दूसरा प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा शिखर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश यूटीएस मतलब यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेश में किस में है? आपके ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर में, बी लद्दाख में, सी सिक्किम में, डी उत्तराखंड में। जो भी आपको उचित आंसर लगे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें। तीसरा सवाल, उत्तराखंड में शिवालिक तथा लघु हिमालय के बीच में विस्तृत घाटी को कहते हैं, क्या कहते हैं? दून, बी द्वार, सी घाटी या डी महाखंड, क्या कहते हैं? आप इसका जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। चौथा सवाल, भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? नामचा बरवा है, बी कंचनजंगा है, सी गॉडविल ऑस्टिन K2 है या डी माउंट एवरेस्ट है, कौन सी इसकी ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें। पांचवें और छठे सवाल में मैंने मिलान करो का प्रश्न दिए हैं। पांचवा सवाल देखें, इसमें सूची एक और सूची दो बनाई है मैंने। सूची एक में दर्रे का नाम दिया है, सूची दो में मैंने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ये ऑप्शन दिए हैं, आपने मिलान करनी है। देखिए सूची एक में क्या है, नीति दर्रा, शिपकिला दर्रा, नाथुला दर्रा और बोमडिला दर्रा, और सूची दो में क्या है, पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा हिमाचल प्रदेश और चौथा सिक्किम। अब इनके मिलान करने हैं। आपके पहले ऑप्शन में यहां पर पहला ऑप्शन है ए, इसमें 1, 2, 3 और 4 मतलब यही क्रम सेम है। दूसरा ऑप्शन बी, इसमें 4, 3, 2, 1 ये क्रम उल्टा हो गया है, ऐसे है इसके साथ मिलान करने में। तीसरा, तीसरे में 2, 3, 1, 4 मतलब उत्तराखंड, हिमाचल, फिर अरुणाचल प्रदेश और फिर सिक्किम। और चौथा ऑप्शन, चौथे ऑप्शन में क्या है डी में कि 2 उत्तराखंड, फिर हिमाचल, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। तो कौन सा इसका उत्तर आपको सही लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। छठा सवाल देखें, मिलान करो का एक छठा सवाल है, इसमें भी सूची एक और सूची दो बनाई गई है। सूची एक में मैंने नदी क्षेत्र दिया है और सूची दो में मैंने प्रादेशिक हिमालय के प्रकार दिए हैं। सूची एक में देखिए नदी क्षेत्र कौन से हैं, सिंधु से सतलज के बीच का क्षेत्र, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच का क्षेत्र, काली से तीस्ता के बीच का क्षेत्र और सतलज से काली के बीच का क्षेत्र। इसके सामने सूची दो में क्या दिया हुआ है, कुमायू हिमालय, पंजाब हिमालय, असम हिमालय, नेपाल हिमालय, ये इसके मिलान करने में सूची दो में दिए हुए हैं। अब आपके ऑप्शन क्या है कि
ए में एक दो तीन चार, क्या यही क्रम सीधा सही है? बी में दो तीन चार एक, दो तीन चार और फिर लास्ट में एक, क्या यह सही है? तीसरे में दो चार तीन एक, क्या ये ऑप्शन सही है? और चौथे में तीन दो चार और एक, क्या ये ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। छह सवाल हो गए हैं, चार सवाल नेक्स्ट मैं पूछ रहा हूं। सातवां सवाल, तुज्जू दर्रा किस राज्य में स्थित है? तुज्जू दर्रा किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है नंबर ए उत्तराखंड, बी मणिपुर, सी अरुणाचल प्रदेश और डी लद्दाख। जो आपको उचित उत्तर लगे वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे। आठवां सवाल, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए बनिहाल दर्रा, बी काराकोरम दर्रा, सी बुर्जिल दर्रा, डी रोहतांग दर्रा। अच्छे से सवाल को पढ़ना है, सोचना है, फिर जवाब देना है। नौवां सवाल, हिमालय की कुल कितनी श्रेणियां हैं? सोच के उत्तर देना इसका। आपके ऑप्शन है ए एक श्रेणी, बी तीन श्रेणियां, सी चार श्रेणियां, डी पांच श्रेणियां। कितनी श्रेणियां हैं आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। दसवां और अंतिम सवाल, हिमालय की सर्वोच्च दो चोटियों का कौन सा जोड़ा सही है? सोचना इसको पहले अच्छी तरह, फिर जवाब देना। ए K2 है माउंट एवरेस्ट का, बी माउंट एवरेस्ट में कंचनजंगा का, सी माउंट एवरेस्ट में मकालू का, डी K2 है धौलागिरी का। कौन सा उत्तर सही है आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो, हिमालय पर्वतीय प्रदेश पार्ट 2, जिसमें हमने हिमालय के प्रादेशिक विभाजन का वर्गीकरण किया है तथा प्रश्नोत्तरी के जो 10 सवाल हैं वो मैंने आपसे पूछा है। सबके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मैं आगे भी निरंतर प्रत्येक कंटेंट से संबंधित यूं प्रश्नोत्तरी भी प्रत्येक कंटेंट के बाद लेकर के आऊंगा। उम्मीद है आप मेरे साथ बने रहेंगे, मेरा वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।